ये देखो जी पिज्जा पार्टी। तो भाई पिज्जा ऑर्डर किया है हमने आज एक नई जगह से, पेपरिज़ा, ठीक है। ट्रिपल सेट से मंगाना था लेकिन वहां ना कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कुछ नई चीज देखी जाए। तो हमने मंगाया पेपरिज़ा से कॉम्बो मंगवाया। अभी आपको सारी इसकी डिटेल्स देती हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक्स ऑफ मैजिक। आज कुक्स ऑफ मैजिक में मैं आपके लिए एक और रिव्यू लेकर आई हूँ, वो है पिज्जा का। और पिज्जा मेरा दिलो जान से फेवरेट है। बस तो मैं अब आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से नए फ्लेवर मंगवाए हैं, वो फ्लेवर नए हैं मेरे लिए नए हैं या सबके लिए नए हैं, ये भी बताऊंगी। कॉम्बो में कितने का पड़ा है, टेस्ट कैसा है, सारी चीज आपको डिटेल से बताऊंगी। बने रहिएगा मेरी वीडियो में मेरे साथ एंड तक। स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं पिज्जा को ओपन करना। ये देखो तीन पिज्जा हमने मंगवाए, ये स्मॉल साइज के पिज्जा है। और फ्लेवर मैंने कौन कौन से मंगवाए बताती हूँ। मैंने मंगवाया एक तो ऑल सीजन, एक मैंने मंगवाया है मशरूम एंड रोस्टेड गार्लिक, और एक है तंदूरी। तो भाई ये आ गए पिज्जा, और इसमें सॉस नहीं दिए इन्होंने हमें, केचप दिया ही नहीं है, ये मिला है हमारे को। ये देखो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स तो अच्छे से दिए इन्होंने, बाकी मेरे को लगता है भैया केचप और टिश्यू डालना भूल गया है, तो हो सकता है नहीं भी डालो। तो पहला खोलते हैं हम, एक सेकेंड। ये तो लग रहा है मुझे मशरूम और रोस्टेड गार्लिक, क्योंकि ये मशरूम के पीस हैं और थिन क्रस्ट वाला पिज्जा है ये, है ना। पर ये तो पीस इसके वो कटिंग तो करी नहीं है। और खोल ले दूसरा, तीनों खोल लेते हैं एक साथ, फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मशरूम और रोस्टेड गार्लिक, इस पे कॉर्न्स भी हैं। यार ये मशरूम वाला ही है क्या? चलो पहले सारे खोलते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत बोल गई मैं, ये है मशरूम और रोस्टेड गार्लिक, क्योंकि इसमें मशरूम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। और ये है वो कौन सा वाला था, एक और बताया था जो मैंने, ये है ऑल सीजन, इस पे मशरूम, कॉर्न्स, अनियन, कैप्सिकम और काफी सारी चीजें और भी हैं। तो ये ऑल सीजन, ये मशरूम एंड रोस्टेड गार्लिक। पर ये भाई आ गया मेरा फेवरेट पिज्जा, तंदूरी पनीर, मस्त, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्याज के ऐसे ना गोल गोल स्लाइस डाल रखे, और मेरे मुंह में आ रहा है बहुत ज्यादा पानी, तो मैं सबसे पहले इसी को टेस्ट करूंगी। तो स्टार्ट हम इसी से करते हैं, इनको हटाते हैं, छोटे छोटे टेबल से ये इस पे बैठ के पिज्जा खाओ। स्टार्ट करते हैं हमारी प्लेट, और ये हैं एक पीस सबसे पहले तंदूरी पनीर का, इसको हटाते हैं साइड पे, इनका भी एक एक पीस ले लेते हैं। तो ये डालते हैं इस पे थोड़ा थोड़ा ऑरिगैनो, तीनों पे चिली फ्लेक्स नहीं डालूंगी मैं, और विदाउट केचप इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पनीर वाले से, ठीक है। थिन क्रस्ट पिज्जा है, और पनीर में ना बकायदा जो रोस्ट करा हुआ टेस्ट होता है ना, इन्होंने मैरिनेट करके रोस्ट किया है, डायरेक्टली रोस्ट नहीं किया है। काफी अच्छा टिक्का वाला फ्लेवर भी आ रहा है इसके अंदर, मैरिनेट करके रोस्ट किया है। और ये देखो पनीर टिक्का क्या, तो अपने वो अनियन मिलती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, सिरके वाला प्याज जो होटल में मिलता है, ये वही है बंदे ने इसके ऊपर डाल दिया। पिज्जा का टेस्ट काफी अच्छा है, चीज भी अच्छी मात्रा में है, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी मतलब बहुत अमाउंट में है। जो टेस्ट है ना वो अच्छा आ रहा है चीज का, बहुत एक्सेस चीज हो जाता तब भी मजा नहीं आता, कम होता है तब भी मजा नहीं आता। तो चीज में बिल्कुल हिसाब से है, पनीर मस्त लग रहे हैं, और इसका क्रस्ट बहुत सॉफ्ट है और थिन क्रस्ट है। क्रस्ट तो मुझे सेम लग रहा है तीनों का, क्योंकि शक्ल सेम सी है। भाई ये मशरूम ना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर रोस्टेड गार्लिक है ना, तो मैं एक बार खा के देखूंगी, थोड़ा मशरूम को साइड पे हटा देती हूँ, हटाया तो नहीं जाएगा, पर खा ही देती हूँ। चलो ये थोड़ा सा ना ठंडा हो गया पिज्जा, तो हल्की सी चुई हो रही है इसकी जो ये क्रस्ट है, बाकी रोस्टेड गार्लिक है ना, गार्लिक का अच्छा रोस्टेड गार्लिक का ही टेस्ट आ रहा है। मशरूम भी सॉफ्ट सॉफ्ट से है, ज्यादा मसाला कुछ ना, ऐसा बहुत स्पाइसी ऐसा कुछ नहीं, इसका बैलेंस फ्लेवर है, बिल्कुल अच्छा है, काफी अच्छा है, पर ये ज्यादा अच्छा है अभी तक दोनों में से, ठीक है। अब ये हमारा था सारा जब सब कुछ जिसके ऊपर एवरीथिंग ऑन इट जिसको बोल सकते हैं, क्या नाम लिया था पहले, मैं फिर भूल जाती हूँ उसका नाम यार बार बार, इसकी बारी। इसमें सारी चीजें कॉर्न्स, कैप्सिकम, मशरूम,
इसका क्रस्ट भी ठीक है, इन दोनों का मुझे सेम लग रहा है। इसका थोड़ा सा टाइट सा हो गया है, चुई सा हो गया थोड़ा सा, बाकी ना टेस्ट तीनों पिज्जा काफी अच्छे हैं। मजा आया मुझे, मैंने पहले ही बोला था मुझे सबसे ज्यादा मजा किसमें आने वाला है, ये जो तंदूरी पनीर वाला है मुझे सबसे अच्छा लगा है। पिज्जा बहुत सही है, 567 रुपीज में हमारे को ये तीन पिज्जा पड़े। ये कॉम्बो है, अलग अलग लोग हैं तो थोड़े से महंगे हैं, कॉम्बो में ये इतने ही है। जोमेटो से मंगाया है मैंने, और ये देखो ये इसके ऊपर इनका एड्रेस भी है, यहाँ पे हडसन लेन में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, ये इनका एड्रेस भी है। तो ये आउटलेट है इनकी, अगर आउटलेट पे जाके भी आप नजदीक हो, आउटलेट पे जाके खाना चाहते हो तो खा सकते हो। भाई मुझे बहुत मजा आया पिज्जा खा के, पिज्जा मुझे वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, तो मैं लेती हूँ अपने पिज्जा के मजे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करना, टैग कर देना अपने उस फ्रेंड को जिसको पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कुक सम मैजिक।